नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिला ऊना में सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। जिला ऊना में सुबह 10 बजे तक 9% के करीब मतदान हो चुका था। वहीं हिमाचल प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार हरौली विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी पत्नी और बेटी संग गोंदपुर जयचंद स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जो भी होगा मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें बतौर नेता विपक्ष कांग्रेस को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो उन्होंने पूरी तरह से निभाई है। लोकतंत्र का महापर्व है आज, और आज वोटें पड़ रही हैं, और हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पे जो है वोट के माध्यम से सरकारें बदली जाती हैं, और आज वो दिन आ गया जिस घड़ी का हिमाचल के लोग इंतज़ार कर रहे थे। और रिवाज बदलने की कोई बात नहीं है। आपने देखा कि अब जब भी मशीनें खुलेंगी, राज पलटेंगे, ताज बदले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का निज़ाम होगा, कांग्रेस की सल्तनत होगी, कांग्रेस का साम्राज्य होगा, और वो साम्राज्य जो है जनता का साम्राज्य होगा। आम पब्लिक, विकास का दौर होगा, कल्याण का दौर होगा, गरीब की सेवा का दौर होगा। मुकेश जी, क्या मानते हैं 8 दिसंबर को जिस दिन मशीनें खुलेंगी और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम भविष्य के CM से बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे जिम्मा दिया गया था राज पलटने का। जब मैं विधायक दल का नेता बना था तो मुझे ये कहा गया था कि आपको एक जिम्मेवारी दी जा रही है, आपको 5 साल के बाद प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे सरकार बदली जाए। हमने 5 साल पूरी तप तपस्या त्याग संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ी है, पूरे जज्बे के साथ लड़ी है, और आपने देखा कि विधानसभा के भीतर और बाहर लड़ी है, और आज हर व्यक्ति ये मानता है कि लड़ाई लड़ी गई है। आज जो माहौल बना है सरकार बदलने का, उसमें हमारा निर्णायक योगदान है। बाकी इतना मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री अब कांग्रेस पार्टी का होगा और सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। थैंक यू। ऊना सदर के विधायक सतपाल रायजादा राजकीय प्राथमिक पाठशाला लालसिंगी में मतदान केंद्र का निरीक्षण करते हुए बोलूंगा सभी को कि आए, वोट डालें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आकर वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र की यही निशानी है, यही हथियार है आपके पास। आप जिस मर्जी के पक्ष में आप बोलना चाहते हैं, वोट पाना चाहते हैं, उसी के पक्ष में डालिए। ये अपने अपने विवेक की बात है, और ये ऐसी शक्ति है वोट की जो सरकारें बदल देती है, और यही एक आम व्यक्ति का जो हथियार है। निश्चित तौर पे 2/3 बहुमत से जो है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अभी है कि जो जी न्यूज़ किसका है, ये जी न्यूज़ की ही बात है या इंडिया TV की बात है? इंडिया टुडे का सर्वे आपने देखा होगा, वो क्या बता रहा था कि अपने अपने सर्वे के हिसाब से जो चले हुए हैं, जो हवा बनाने की बातें चली हुई हैं, लोग आज बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग आज जो है महंगाई से परेशान हैं, और लोग जो इनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं उनसे परेशान हैं। आपने देखा होगा कि कैसे पुलिस की जो भर्ती हुई है, लोग अग्निवीर जैसी योजनाओं से परेशान हैं। इसके बाद भी आप क्या मानते हैं कि लोग इनकी सरकार बनाएंगे? जिलाधीश ऊना हिमाचल प्रदेश राघव शर्मा वोट डालकर बाहर आते हुए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना।